जब हमारा चंद्रपुर प्रदूषित शहर के रूप में जाना जाता था, परंतु वर्तमान समय में सारी परिस्थिति बदली है। अब हम अपने स्वच्छ चंद्रपुर और सुंदर चंद्रपुर पर गर्व कर सकते हैं। चंद्रपुर के अनेक स्थल ऐसे हैं जो इसके सुंदरता पर चार चांद लगाते हैं, जो आपसे अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों द्वारा भूमिका निर्वहन। तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं मंच पर कुलवास रामनीति को आमंत्रित करती हूँ। जय गुरुदेव। सुप्रभात, मैं हूँ इले नदी। आप सब तो मुझे पहचानते ही होंगे। मैं वर्धा नदी के सहायक नदियों में से एक हूँ। मेरा निर्माण कई हजारों वर्षों पहले कासलवाड़ी गांव के पास चंदूर तालुके में हुआ था। क्या आपको पता है, चंद्रपुर में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण नदी हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर एक बांध बनाया गया है जो है इले बांध, जिसके द्वारा आपको और चंद्रपुर के कई लोगों को बिजली प्राप्त होती है। मेरी लंबाई करीबन 78 मील है। मछलियाँ मेरे अंदर खेलती व कूदती है। लोगों को और उनके पशु पक्षियों को पानी पिलाना और लोगों के काम काजों में मदद करने से मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता है। फिर भी क्यों लोग मेरे अंदर कचरा डालकर मुझे खराब करते हैं। लोग मेरे यहाँ मजे से और कठिनाई से भरी यात्रा खत्म होने के बाद मैं वर्धा नदी के साथ मिलकर एक नई यात्रा करने के लिए चला जाता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब आएंगे अवधूत पद्मावान। अरे दोस्तों, मुझे पहचाना? मैं राम सेतु पुलिया। आप रोज मेरे ऊपर से श्री महर्षि विद्या मंदिर स्कूल आते हो। सुप्रभा, मैं राम सेतु पुलिया हूँ। मेरा निर्माण 2022 में हुआ था। मुझे बनाने का मुख्य कारण था कि जो पुराना राम सेतु पुलिया था, इरई नदी में पानी भर जाने के कारण वह डूब जाता था, जिसके कारण लोगों के काम बंद पड़ जाते थे और आपकी स्कूल भी। इसलिए मेरा निर्माण हुआ, जिसके कारण आप रोज स्कूल आ पाते हो और लोग अपने काम जा पाते हैं। मेरे दूसरे बाजू लोगों के घर भी है, वो मेरे यहाँ से उधर से इधर हो सकते थे, जिसके कारण उनकी बहुत मदद होती है। मुझे इनकी मदद करने से बहुत खुशी होती है। पर पिछले साल की बारिश बहुत ही ज़्यादा थी, मुझे लगा मैं यहाँ टिक नहीं पाऊँगा, लेकिन मुझे इतना अच्छे से बनाया गया था कि मैं अभी भी यहाँ खड़ा हूँ और आपकी मदद कर पा रहा हूँ, इसमें मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। धन्यवाद। अब आ रहे हैं वंश चौधरी। जय गुरुदेव। तो दोस्तों, क्या आप सभी ने मुझे पहचाना? मैं महाकाली मंदिर, मुझे 16वीं शताब्दी में राज नामक राजा ने बनाया था। मैं उस राजा का धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना ताकतवर बनाया है कि चाहे आंधी आए या तूफान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो खुशी तब होती है जब मैं पूरा दियों से सज जाता हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवरात्रों की। मुझे बहुत आनंद होता है जब दूर दूर से लोग मुझे देखने के लिए आते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। आप अब आ रहे हैं देवांश गोजे। दोस्तों, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं जटपुरा के। मेरा निर्माण राजा पल्लव शाह ने 18वीं सदी में किया था। मेरी दीवारें 18 से 20 फुट ऊंची है। मेरे ऊपर हर साल राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और हर त्यौहार पर मुझे सबसे अधिक तैयार किया जाता है और यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर किंतु क्या करूं, मुझ पर लोग पत्थर से खरंचते हैं और थूक कर मेरी सुंदरता खराब करते हैं। पर मुझे यह अच्छा नहीं लगता, और अगर ऐसा ही चलता रहा, लोग मुझ पर खरंचते रहे, तो मेरे पत्थर कमज़ोर हो जाएंगे और एक दिन मैं टूट जाऊंगा, और यह मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आगे की पीढ़ी भी मुझे देख पाए, समझ पाए, और यही मेरी कामना है। धन्यवाद। धन्यवाद।
देवांश। अब आ रही है इशिका उपगंदलावार। जय गुरुदेव। सुप्रभात, क्या आप सभी ने मुझे पहचाना? मैं ताड़ोबा हूँ। मैं चंद्रपुर का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अभ्यारण्य हूँ। मेरा जन्म 1955 में हुआ था। मेरा नाम भगवान के नाम तारो से लिया गया है और अंधेरी को अंधेरी नदी से लिया गया है जो मुझसे होकर जाती है। यदि आपको प्रकृति से जुड़े स्थान देखने का शौक है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरे यहाँ पर्यटक वनस्पतियों और जानवरों की विविध प्रजातियों को देखने आते हैं। मेरे यहाँ तरह तरह के पौधे हैं जो जड़ी बूटियों का काम करते हैं। दलदली मगरमच्छ, कोबरा, अजगर, करगीदा और सरचिल और ऐसी कई तरह की लुप्त प्राय प्रजातियाँ मेरे यहाँ देखे जा सकती हैं। पर आजकल मनुष्य के कारण मेरा जीवन संकट में आ गया है। उन्होंने वृक्ष तोड़ किया जिसके कारण जानवरों को घर नष्ट हो गया है और जो लुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं वो पूरी तरह से लुप्त होते जा रही है। धन्यवाद। धन्यवाद ऋषिका। अब आ रही है इच्छा जीवने। सुप्रभात, तो क्या आप सब लोग मुझे पहचाना? मैं वही हूँ, अचलेश्वर मंदिर। मैं सबसे प्राचीन व पुरातन मंदिर माना जाता हूँ। मेरी खूबी यह है कि मेरे अंदर 5 और मंदिर स्थित है जिसमें से मुख्य वह स्थान है जहाँ शिव जी का पेड़ स्थापित है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दूसरे लोग मेरा दर्शन लेने आते हैं। मेरे दाएं बाजू जयपट नदी स्थित है जो पहले कभी बहुत सूखी पड़ गई थी परंतु आज उसका बहाव बहुत तेज चल रहा है। राजा खांडक क्या ने यहाँ पे एक गड्ढा देखा था जहाँ पे गाय के पैरों का निशान था और वह निशान बहुत शुद्ध माना जाता था और उससे पानी भी बहुत शुद्ध आता था। तो राजा खांडक्या ने वह पानी पिया और अगली सुबह रानी हिरई ने देखा कि उनकी सारी बीमारियां चली गई हैं। तो रानी को बहुत खुशी हुई और उन्होंने उस जगह पर शिव पिंड तैयार किया। हजारों सैकड़ों लोग मुझे देखने आते हैं, मेरा दर्शन लेने आते हैं। जहाँ मुख्य स्थान है शिव पिंड स्थापित है वहाँ हजारों लोग बेलपत्र व फूल अर्पण करके मेरा दर्शन लेते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, आनंद मिलता है जब दूसरे लोग मेरा दर्शन लेने आते हैं, मुझे देखने आते हैं। और इसी तरह से मैं चंद्रपुर में सबसे विशेष व मुख्य स्थान माना जाता हूँ। धन्यवाद। स्वच्छ चंद्रपुर, सुंदर चंद्रपुर।